नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले आज से जो करंट अफेयर है 2018 के, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक के जो है उनको हम कंप्लीट कवर करेंगे। और उसके हिसाब से अगर देखें तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हम करंट अफेयर का राजनीतिक घटनाक्रम, मतलब जो राजनीतिक रिलेटेड है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आते रहेंगे हमारे, धीरे धीरे हम सारे जो टॉपिक है जो 2018 में जितनी भी घटनाएं हुई है सारी चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे, जो करंट अफेयर हमारा 2018 का चालू हुआ है। इसके पहले आपको पता होगा हमने जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, यानी कि मोदी सरकार की जो सभी योजनाएं जो इंपॉर्टेंट है 2014 से जब से वो आए हैं, उसके बाद से जितनी भी योजनाएं आई हैं वो ज्यादातर, मतलब जो अधिकतम है, हमने कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। और ये जो सारी चीजें है, मतलब जो करंट अफेयर है, वो आपको सभी एग्जाम में काम आने वाला है। जो भी अभी जो 2019 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में आपको लिए जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, तो बिल्कुल भी देखना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, देखिए मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहले तो देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। जैसे मान लो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है या फिर किसी व्यक्ति के जो बहुमत है, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता तो वो उसको जो है त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था तेलुगु देशम पार्टी और उसके अलावा जो अन्य पार्टी थी, अन्य पार्टियों के द्वारा क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया था। परंतु क्या हुआ, ये जो है 18 जुलाई को, यानी कि 18 जुलाई 2018 को इसको प्रस्तुत किया गया था, परंतु ये जो है खारिज कर दिया गया। खारिज कब कर दिया गया? दो दिन पश्चात, यानी कि 20 जुलाई 2018 को इसको खारिज कर दिया गया। और मोदी जी के उसमें कितने मत प्राप्त हुए? मोदी जी के उसमें जो है 325 मत प्राप्त हुए, तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो खारिज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो उपसभापति है उसकी नियुक्ति में भी काफी विलंब हो गया था। तो जो राज्यसभा के उपसभापति है, यानी कि जो राज्यसभा होती है उसके सभापति कौन होते हैं? उसके सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे जो वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू जो है राज्यसभा के सभापति है। और उपसभापति कौन है, मतलब डेप्यूटी जो लोकसभा होता है, लोकसभा के डेप्यूटी एक प्रकार से हम प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो मतलब जो राज्यसभा के सभापति है उपराष्ट्रपति हो गए। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, किसको नियुक्त किया गया, हरिवंश नारायण सिंह को, जो कि आपको फोटो में नजर आ रहा है। और इनको कब अपॉइंट किया गया, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 2018 को इनको अपॉइंट किया गया। इसके अलावा इनके जो विपक्षी थे, विपक्षी कौन थे, विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे बीके प्रसाद ये थे। और ये जो है पराजित हुए, यानी कि जीत किसकी, किसको हासिल हुई, हरिवंश नारायण सिंह को, मतलब राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ। देखिए जैसे कि आपको पता है ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इनका जो निधन हुआ 2018 में, यानी कि 16 अगस्त 2018 को हुआ। और 3 बार कब कब रहे ये प्रधानमंत्री, 3 बार रहे ये, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे 1996 में ये 13 दिन रहे, मतलब मात्र 13 दिन की गवर्नमेंट इनकी रही। उसके बाद 1998 में फिर से बने, तो 13 वहां इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद जब 1999 में आए, यानी कि एक साल बाद जो आए, तो 1999 में आए तो कंप्लीट 5 साल उन्होंने पूरा किया। और ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी थे, मतलब अभी तक क्या चला आ रहा था, कांग्रेसी चले आ रहे थे, जो भी कांग्रेस के नेता थे वो रेगुलर चले आ रहे थे। और इसके बाद जो भी बने थे उन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं किया था, परंतु पूरा कार्यकाल करने वाले ये पहले गैर कांग्रेसी थे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इसके अलावा अगर इनके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज देखें तो यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके अलावा इनको 2015 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। और अगर देखें और तो 1992 में क्या मिला है, पद्म विभूषण। और 1994 में इनको मिला है उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार। और आपको पता होगा इनके निधन के पश्चात क्या हुआ था, 7 दिन का, मतलब 1 सप्ताह का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा चार सदस्यों की जो है, चार सदस्य क्या हुए हैं, अपने कार्यकाल पूरा किए हैं और इसके अलावा चार नए सदस्यों की यहाँ नियुक्ति की गई है राज्यसभा में। तो किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल नंबर 80, मतलब जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 80 के तहत इनकी जो है नियुक्ति की जाती है मनोनीत सदस्यों की, 12 सदस्यों की। और यहाँ पे हम देखें तो 250 क्या होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं। 250 में से 238 की अगर बात करें, 238 कितने किससे होते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से होते हैं। और बचे 12 जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 में से 4 की अभी नई नियुक्ति की गई है। और कितने कितने वर्षों के लिए की जाती है, 6-6 वर्षों की। और प्रत्येक दो साल पश्चात क्या होते हैं, जो टोटल सदस्य है, टोटल सदस्यों में से एक तिहाई कितने हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मतलब वो, और फिर से वो बार बार चुने जा सकते हैं, परंतु 2 साल बाद उनको रिटायर होना पड़ेगा। अब यहां देखें हम तो कौन कौन नियुक्त किया गया है, यहाँ पे सोनल मानसिंह को नई नियुक्ति की गई है। ये कौन है, ये एक प्रकार से शास्त्रीय नेत्रांगना है। और इसके अलावा डॉक्टर रघुनाथ को यहाँ पे नई नियुक्ति की गई है, तो ये मूर्तिकार है। इसके अलावा किसकी नियुक्ति की गई है, राम शक्ल की नियुक्ति की गई है, तो ये जो है दलित नेता है एक तरीके से, उत्तर प्रदेश के, कहाँ के है, उत्तर प्रदेश के दलित नेता है। और एक और अगर बात करें तो कौन है, राकेश सिन्हा की भी यहाँ नियुक्ति की गई है। और ये कौन है, आरएसएस के विचारक है। इन चारों की नियुक्ति की गई है। और रिटायर कौन कौन हुए वो भी देख लेते हैं। तो रिटायर आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेटर है, रेखा जो अभिनेत्री है, और जो एक बिजनेसमैन है अनु आगा, ये भी क्या हुए, रिटायर हुई है। और के पराशरन भी क्या हुए, यहाँ पे रिटायर हुए हैं। और एक और चीज आपको पता होगी, लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की सीट कितनी होती है, 500, अभी वर्तमान की नहीं, 552 होती है, ठीक है, परंतु वर्तमान में 545 है। 545 में से 543 तो होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, परंतु 2 जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन। वो कम्युनिटी होती है जो कि हमारे यहाँ के स्त्री और अंग्रेज के जो है, मतलब जो ब्रिटिश के पुरुष है उनके शादी होने के बाद जो जन्म लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन, या फिर उधर की स्त्री या इधर के पुरुष से जो जन्म लेते हैं उनको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियन। तो ऐसी कम्युनिटी का पक्ष रखने के लिए भी यहाँ पे लोकसभा में 2 जो सदस्यों को यहाँ नियुक्त किया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मतलब 2 एंग्लो इंडियन सदस्य यहाँ पे ज्वाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे इनको ज्वाइन कराने के लिए, लोकसभा में ज्वाइन कराने के लिए आर्टिकल नंबर 331 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 2 व्यक्ति को यहाँ पे चुन सकता है। तो 2 व्यक्ति कौन कौन है, एक तो केरल के कौन है, प्रोफेसर रिचर्ड है, और पश्चिम बंगाल के है जॉर्ज ब्रेकर। ये 2 सदस्य है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जम्मू कश्मीर में जो है कितने बार राज्यपाल शासन लग चुका है, यहाँ पे मैं है, तो जम्मू कश्मीर में कितने बार राज्यपाल शासन लग चुका है, टोटल मिलाकर 4 बार लग चुका है। और आपको पता होगा 2018 यानी कि जून में ये जो है राज्यपाल शासन लगा है। और अब यहाँ राज्यपाल शासन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ स्पेशल राज्य का दर्जा इसे प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 370 के तहत जम्मू कश्मीर की व्यवस्था की गई है कि उसका खुद का एक संविधान है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन न लगकर राज्यपाल शासन लगता है। तो राज्यपाल शासन लगा कब, 20 जून को। और यहाँ पे जो बीजेपी है यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, प्लस जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनका 3 साल पुराना जो गठबंधन है वो टूट गया, ठीक है। और टूटने के पश्चात क्या हुआ, 20 जून को यहाँ पर राज्यपाल शासन लगा, परंतु स्थिति गड़बड़ाने के कारण यहाँ पे 19 जून को ही जो मुख्यमंत्री वहां की महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल कौन थे उस समय, NN बोहरा जो कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल थे, परंतु ये वर्तमान में ये राज्यपाल के पद पर नहीं है। वर्तमान में राज्यपाल के पद पर कौन है, जो बिहार के है, यानी कि बिहार के कौन है, सत्यपाल मलिक कहाँ है, यहाँ पे अभी अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए है जम्मू कश्मीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2017 में चुनाव हुए हैं कुछ कुछ राज्यों में, तो यहाँ अगर देखें हम त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बिप्लव कुमार देब को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो चुनाव है, मतलब 2017 में तो हुए हैं, परंतु इनके जो सरकार का गठन हुआ है, कब किया गया है, सरकार का गठन किया गया है
मार्च 2018 में किया गया है। और नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड में भी क्या हुआ है, नए मुख्यमंत्री ने यहाँ शपथ ली है। तो नागालैंड में कौन है, नेफ्यू नेफ्यू रियो, ये जो है मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। अच्छा, यहाँ बिप्लव कुमार देब कहाँ के है, त्रिपुरा के है। यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ का गवर्नर है तथागत रॉय, ठीक है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री किन ने शपथ ली है, नेफ्यू रॉय ने। और यहाँ के गवर्नर कौन है, पीबी आचार्य, ठीक है, याद रखने का है। मेघालय में भी इसी प्रकार से कुछ चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पे जो है नए मुख्यमंत्री कौन है, कैनरेड संगमा, कॉनरेड संगमा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री गवर्नर है, यहाँ के गंगा प्रसाद है। और कर्नाटक में भी चुनाव हुए, तो कर्नाटक में एच डी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा गवर्नर कौन है, यहाँ के बेजू भाई पाला है। ये तो सारी चीजें आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, पवन कुमार चामलिंग किस राज्य के हैं, जिन्होंने देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको पता होगा इसके पहले जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ज्योति कुमार बसु, उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा लंबे समय तक, मतलब देश में यानी कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया था। परंतु उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए कौन, सिक्किम के पवन चामलिंग, जो कि अभी मुख्यमंत्री पद पर है। और इन्होंने कितने वर्ष रह चुके हैं ये, मतलब जो है 12 दिसंबर से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 1994 से। और अभी वर्तमान तक, मतलब जब से इन्होंने नेक्स्ट टाइम फिर से बने हैं, तब तक की स्थिति में अगर देखें तो इनके हो गए थे 23 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। अभी भी वर्तमान में है ये मुख्यमंत्री पद पर, और ये सबसे ज्यादा, मतलब सबसे आगे निकल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे स्टार फुटबॉलर जो वाइचुंग भूटिया है, जो कि सिक्किम के हैं, इनके द्वारा किस नाम से एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया है। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए, हमरो सिक्किम पार्टी इनके द्वारा गठित की गई है, और ये एक प्रकार से फुटबॉलर है यहाँ पे। और कब की गई है ये भी पता होना चाहिए थोड़ी सी जानकारी। 26 अप्रैल 2018 को इन्होंने क्या किया है, नई पार्टी का गठन किया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम न्यायिक से रिलेटेड, मतलब अभी हम देख लेते हैं राजनीतिक जो घटनाक्रम है उससे रिलेटेड, उसके अलावा हम देख लेते हैं न्यायिक यानी जुडिशरी से संबंधित जो भी मामले हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनकी न्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो किस मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था जो कि खारिज कर दिया गया है। तो आपको पता होगा अभी 45 नंबर के जो जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, ये थे, परंतु ये चेंज हो चुके हैं अभी, ठीक है। चेंज किससे हो गए हैं, 46 नंबर के बन गए रंजन गोगोई, ठीक है। रंजन गोगोई जो है 46 नंबर के बन गए, तो 45 नंबर के जो जस्टिस है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, इनके द्वारा जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था जो उपराष्ट्रपति के सामने यानी विपक्ष के जो सांसद है उनके द्वारा लाया गया था, किसके समक्ष है, एम वेंकैया नायडू, जो कि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। परंतु 20 अप्रैल को लाया गया था ये, और 23 23 को, मतलब एक प्रकार से 3 दिन पश्चात जो इन्होंने खारिज कर दिया। और किसके खिलाफ था ये, दीपक मिश्रा के खिलाफ, 45 नंबर के चीफ जस्टिस। और अभी वर्तमान में कौन है, रंजन गोगोई है, जो कि 46 नंबर के है। और एक और चीज आपको याद रखना है, जो आधार कार्ड की अनिवार्यता, यानी कि हर जगह आपको पता होगा आधार कार्ड के बिना काम नहीं चलता था, परंतु आप सिम लो या फिर कुछ भी जो आइडेंटिटी जहां लगती है वहां आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। ये किसने खत्म किया है, दीपक मिश्रा के द्वारा ये खत्म किया गया, मतलब दीपक मिश्रा के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म की जाती है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी मैटर बना दिया गया उसको। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीसी की धारा 377। 377 आपको पता होगा जो समलैंगिक, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि महिला महिला या पुरुष पुरुष आपस में जो है रिलेशन बना सकते हैं और शादी करके साथ में रह सकते हैं, तो ये वैलिड करार दिया गया है। वैलिड करार दिया गया मतलब इसको सही मान लिया गया है। तो किस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये डिसीजन लिया गया, तो दीपक मिश्रा एवं अन्य जजों की जो बेंच थी इसके द्वारा इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि 377 अब वैलिड माना जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें हम, तो ये रिक्वेस्ट किसके द्वारा लाई गई थी, एलजीबीटी, एलजीबीटी यानी कि आपको पता होगा एलजीबीटी यानी कि लेस्बियन होता है, गे होता है, बाइसेक्सुअल होता है और ट्रांसजेंडर होता है, इनके द्वारा ये रिक्वेस्ट लाई गई थी और उसको देखते हुए इन्होंने इसको वैलिड करार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी एससी अत्याचार निवारण अधिनियम, जो संशोधन अधिनियम है,
जो कि निष्प्रभावी कर दिया गया था थोड़े दिन पहले, क्या कर दिया गया था, निष्प्रभावी। अभी देख लेते हैं। देखिए एससी और एसटी का जो बंदा है या फिर जो प्रजाति वाले हैं, उनको अगर कोई दूसरे प्रजाति वाले क्या करते हैं जाति सूचक शब्दों से या फिर उनका अपमान करते हैं या फिर जाति सूचक या एसटी एससी का मानकर उनको अन्य जो है प्रताड़ना करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या किया जाता था, डायरेक्ट उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और बाद में जांच की जाती थी। परंतु इस प्रकार का जो है नियम खारिज कर दिया गया और क्या कर दिया गया कि जांच होगी और जांच के पश्चात जो है दोषी पाए जाने पर ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो ये कर दिया गया था। परंतु फिर से इसको क्या कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया। अनुमोदित कब किया गया, अनुमोदित किया गया 21 अगस्त 2018 को। अब ये जो अनुमोदित किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी है, इनके द्वारा अनुमोदित किया गया है। कब, 21 अगस्त 2018 को फिर से अनुमोदित किया गया। और रिजेक्ट निष्प्रभावी कब किया गया था, निष्प्रभावी आप थोड़ा सा आइडिया रख लीजिए 20 मार्च 2018 को। इस प्रकार देखें 3-4 महीने बाद फिर से अनुमोदित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु नया भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये किया गया 26 जुलाई 2018 को ये लागू किया गया। और यहाँ पे जो रिश्वत लेने वाले हैं और देने वाले, मतलब दोनों ही व्यक्ति, एक तो रिश्वत लेने वाला और एक रिश्वत देने वाला, दोनों ही व्यक्ति अगर पकड़ाए जाते हैं या आरोपी सिद्ध होते हैं तो उनको कितने वर्ष की सजा भुगतनी होगी, 7 वर्ष की। ठीक है, 7 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। और इसी के तहत ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नियम लाया गया है, मतलब ये भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम लाया गया है। और यहाँ पे ये पहले था 1988 का था, परंतु इसमें संशोधन किया गया, अभी नया लाया गया है। देखिए नया लिखा नहीं, यहाँ पे पहले ही आ गया था परंतु अभी नया संशोधित करके लाया गया है। और कब लाया गया है, 20 जुलाई 2018 को लाया गया है। और रिश्वत देने और रिश्वत लेने पर आरोपी को पकड़ने के लिए, मतलब उनको सजा देने के लिए इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए जो है संवैधानिक दर्जा हेतु संशोधन किया गया है, यह कौन सा नंबर का बिल है, तो यह है 123वां नंबर का बिल। अब 122वां आपको पता होगा क्या आया था, जीएसटी आया था जो कि संशोधन हुआ 101 नंबर का। अब 123वां नंबर का क्या आया है, जो एनसीबीसी के लिए संवैधानिक दर्जा, तो 123वां आया है, तो इसके लिए संशोधन को कितना होगा, 102वां नंबर का होगा, मतलब 102 नंबर का संशोधन होगा संविधान में। अब एक और जो है बिल लाया गया है, हालांकि देखते हैं पास हो रहा कि नहीं हो रहा है, जो सवर्ण है, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का मोदी जी को द्वारा लाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अगर आगे संशोधित होता है तो इसका जो संशोधन बनेगा 103 नंबर का बनेगा। अभी संशोधन नहीं हुआ, फिर भी देखते हैं हम आगे अगर होता है तो। अब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका गठन कब किया गया था, 1993 में किया गया था। और यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई इसको, अभी, मतलब एक प्रकार संवैधानिक दर्जा देने के लिए 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसको मंजूरी दे दी गई है। आगे देखते हैं, कुछ है हमारे पर्यावरण एवं जैव विविधता से रिलेटेड जो है मामले है, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, केरल में इस शताब्दी की सबसे विकराल बाढ़ आई, इसमें सहायता किस फोर्स के द्वारा प्रदान की गई। तो यहाँ देखें हम, तो देखिए केरल का नजारा दिख रहा है और ये आपके सामने दिख रहा है एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसका जो मोटो है, मतलब एक प्रकार से स्लोगन बोल सकते हैं, आपदा सेवा सदैव, मतलब ये आपदा के समय सेवा देने के लिए सदैव खड़ी रहती है, इसे हम बोलते हैं एनडीआरएफ। और एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और गठन कब किया गया था इसका, 2005 में किया गया था। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करती है, ये होम मिनिस्ट्री यानी कि होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये वर्क करती है। और इस हिसाब से देखें तो जो केरल है, केरल में बाढ़ कब आई थी, अगस्त में आई थी, ठीक है, अगस्त 2018 में आई थी। और किस कारण आई थी, पूर्वाद में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो है डैम का पानी ओवरलोडिंग हो गई थी, उसके कारण यहाँ क्या हुई थी, बाढ़ आई थी और 400 से अधिक लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है। और इस हिसाब से अगर देखें तो 10 लाख से अधिक लोग ट्रांसफर हुए, यानी कि केरल से ले जो है दूसरी जगह ट्रांसफर हुए है, तो 10 लाख से अधिक लोग यहाँ से विस्थापित हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की रिपोर्ट
जो है 2017 की, मतलब दो वार्षिक रहती है, दो दो वर्षों में प्रदर्शित की जाती है। इसके अनुसार अगर देखें तो 2015 से लेकर 17 के बीच में वन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, देखिए अभी जो है देखने को मिल रहा है कि वृद्धि होते जा रही है। तो 2015 से 17 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, 8021 वर्ग किलोमीटर के जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। और इसके हिसाब से अगर देखें पीछे का, 2000 सिंपल सी बात है, 2013 से 2015 के बीच में प्रस्तुत की गई होगी नेक्स्ट, मतलब इसके पीछे वाली, तो उसमें कितनी वृद्धि हुई थी, उसमें हुई थी 5081 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितनी वृद्धि हुई है, 8021 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। और ये जो रिपोर्ट है दो दो वर्षों में प्रदर्शित की जाती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब रहने योग्य जो सिटी है भारत के अंतर्गत, तो भारत में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है। तो यहाँ पे जो है टोटल 8 मानक होते हैं, परंतु इस बार जो है 4 मानकों पर यहाँ पे फोकस किया गया है। तो 8 मानक कौन कौन से होते हैं, शिक्षा हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, सुरक्षा, रोजगार, स्थिति, प्रदूषण, आवास, विद्युत एवं परिवहन, ये सारी चीज हो सकती है। परंतु इस बार जो है इनमें से 4 मानकों पर ध्यान में रखकर यहाँ पर सिटी का आकलन किया गया है कि रहने योग्य कौन सी सिटी सबसे अच्छी है। तो सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, पुणे है। और यहाँ पे टोटल मिलाकर जो है 111 शहर, मतलब 111 शहरों का आकलन किया गया है, उनमें से पुणे को सबसे टॉप पर रखा गया है। और परिणाम जो प्रस्तुत किया गया है 13 अगस्त 2018 को यहाँ परिणाम प्रस्तुत किया गया है। और इस सूचकांक के आधार पर यहाँ पे हमने देख लिए रहने योग्य सिटी जो सबसे पहले नंबर पर पुणे है, परंतु सेकंड नंबर की अगर बात करें तो नवी मुंबई है, ठीक है, नवी मुंबई है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रेटर मुंबई है। उसके पश्चात क्या, चौथे नंबर पर तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, और पांचवें नंबर पर जो है चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ को आप एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो ये प्रकार से राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। अब अगर बात करें हम तो मध्य प्रदेश जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहता है वो 8वें नंबर पर है इस हिसाब से। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल है 10वें नंबर पर। और सबसे लास्ट में कौन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सबसे लास्ट में जो है नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, मतलब कोहिमा एक सिटी है, तो ये जो है 110वें नंबर पर, 111 आपको पता है 111 टोटल है, 110वें नंबर पर कोहिमा है। और 111 नंबर पर कौन है, रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पिछले हिसाब से देखें 2017 सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश का ही जो गोंडा जिला था, मतलब गोंडा शहर था, वो सबसे गंदा साबित हुआ था। तो इस प्रकार से यहां भी देखें रामपुर जो है सबसे मतलब एक प्रकार से लो लेवल पर रहने योग्य सिटी नहीं मानी जा सकती, 111 नंबर पर उसको लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी मिशन जो है मोदी जी की योजना हमने पढ़ ली है, इस हेतु जो है चाइनीज शहर, मतलब 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, तो 99 ऑलरेडी हो चुके थे, परंतु यहाँ है 100वें नंबर पर कौन सा शहर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, तो 100वें नंबर पर शिलोंग है। और शिलोंग क्या है, मेघालय की राजधानी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। और ये जो है जून 2018 में सेलेक्ट हुआ है जो कि अंतिम शहर है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। और स्मार्ट सिटी मिशन जो है जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 100 शहरों को यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने या 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यहाँ लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार अगर देखें तो दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है, पहले नंबर पर आपको पता है 2 साल से यहाँ इंदौर चला आ रहा है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, औद्योगिक राजधानी से बोलते हैं, परंतु ओरिजिनल जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। भोपाल सेकंड नंबर पर है, और ये जो है सेकंड नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में आया है कौन, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और 2017 के अनुसार भी ये सेकंड नंबर पर था। और अगर तीसरे नंबर पर अगर देखें यहाँ पर तो चंडीगढ़ यहाँ पे क्या है, तीसरे नंबर पर है स्वच्छता सर्वेक्षण में। सर्वेक्षण कराया गया केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, और परिणाम किसने प्रस्तुत किया, हरदीप सिंह पुरी, कब प्रस्तुत किया, 16 मई 2018 को इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। ये तो था हमारा वीडियो, हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया, परंतु आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएगी। हम अगले जो लेक्चर आएंगे हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक से आते रहेंगे, तो देखना बिल्कुल ना भूले और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।